लगातार इस प्रकार के दावे किए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम है। इसके बावजूद बेरोजगारी के नाम पर प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। इन सब के बीच निजी स्कूल की एक शिक्षिका ने जहर से बनकर जान दे दी। वह काफी समय से सरकारी नौकरी की तलाश में थी। नगर निगम क्षेत्र के सरमंगला नगर में संचालित सुमन भारती विद्यालय की शिक्षिका संगीता केवट ने जहरीले पदार्थ का सेवन करने के साथ जिंदगी को अलविदा कह दिया। जहर के असर से उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे कोरबा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि संगीता अविवाहित थी और वह सरकारी रोजगार पाने के लिए लगातार परीक्षा दे रही थी। सफलता हासिल नहीं होने पर उसने यह कदम उठाया है। हालांकि वास्तविक कारणों की जानकारी जांच के बाद सामने आ सकेगी। कुमारी संगीता सुमन भारती स्कूल में की प्राइवेट टीचर थी। घर के परिजन से कथन अगर पूछा कथन लेगा तो बताया कि वो टेट का पेपर और यूपीएससी की तैयारी और आंगनबाड़ी का तैयारी पटवारी की तैयार करती थी। तो तैयारी एग्जाम कंपटीशन तैयार करती थी जो सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो कुछ घर में मानसिक तनाव रहती थी, कम बात करती थी। जो 23 तारीख रात में कीटनाशक दवा का सेवन कर ली, जो इलाज के दौरान इनके जब भर्ती जो आज रात में खत्म हो गई। संगीता केवट की मौत होने पर पंचनामा के साथ शव का पोस्टमार्टम कराया गया और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। ग्रंडेसी न्यूज़ ग्रुप मनोज यादव की रिपोर्ट।